यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इंटरव्यू वीडियोस नंबर 25, यानी कि इससे पहले कुछ इंटरव्यूज वीडियो पड़े हुए हैं, 24 वीडियोस हैं। तो 25 में जनरली मैं केवल टिप्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग टिप्स मांग रहे हैं कि जैसे कि 2016 का इंटरव्यूज होगा नेक्स्ट टाइम में, तो उसके लिए तो मैं उसमें सचेत कर देना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का कमेंट भी आता रहा है कि कितने क्वेश्चन वाले तैयारी करें कितने ना करें। तो भाई जिसका जो चांसेस है वो कट ऑफ के बारे में भी बता दिया गया जनरल वॉइस वर्क के लिए। वॉइस वर्क के लिए मैं बारे में बात करूँगा, जनरल ओबीसी एंड एससी। तो मेरे अकॉर्डिंग्स जो है इतने क्वेश्चंस है, यानी कि जनरल में 85 के आसपास से कॉल हो सकता है, ठीक है। पर 90 से ऊपर वाले ठीक इंटरव्यू के लिए मस्त तैयारी करें, 93, 94, 95 ये है। और जो 95 के अबव हैं 100, 102 यहाँ तो सिक्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, यहाँ पे नो टेंशन, आसानी से हो जाएगा। फिर भी ये जो है, ये जो डाटा है, बीच वाला जो डाटा है, इनको थोड़ा सा इंटरव्यू पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू पर डिपेंड रहने का मतलब इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें तभी हो भी पाएगा। इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपनी पहले से रणनीति बना लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, तो ओबीसी हो सकता है कि 82 के आसपास या 80 से हो जाए, ठीक है। परंतु 80 से 85 तो यहाँ पे चांसेस कम हैं, परंतु 85 के ऊपर में 85 से 90 यहाँ में चांसेस उनके सिलेक्शन के हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर हैं तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और 90 से ऊपर वाले जो हैं, 90 से 91-92 वाले, ठीक है, ये 92-93 अगर ये फाइटिंग करते हैं तो जनरल में जा सकते हैं, बट इंटरव्यू बेटर रहा हो। और जो इसके ऊपर वही 95 से ऊपर वाले, तो वो तो जनरल में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। ओबीसी में काफ़ी लोग होते हैं क्रैशिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्रैशिंग की बात चल रही है, तो जैसे यूपी टीजीटी 2013 वाली बात थी, वॉइस वर्क, वॉइस में जनरल कैटेगरीज में 119 सीटें, एक सीट एससी ने क्रैश किया था और इतना ओबीसी ने क्रैश किया था, ठीक है। तो ये जनरल की सीटों में चले गए थे, टोटल थी 388 में इंटरव्यू हुआ था, यानी कि 120 सीट क्रैश हो चुकी थी। तो माइनस का 120 अगर करते हैं तो वहाँ पे केवल कितना बच रहा है, 268 सीटें, इतने केवल जनरल कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए थे, ठीक है। तो ये थे जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और एक एससी कैंडिडेट सर। ऐसे ही अभी एक रिजल्ट आया है यूपी टीजीटी 2011 वाला, तो उसमें भी 26 ओबीसी क्रश किए हैं जनरल में, जनरल वॉइस वर्क में। तो मेरे अकॉर्डिंग्स जो सीटें थी वहाँ पे 103 सीटें थी, शायद 103 सीट थी, और वो 115 को लिस्ट दिए हैं, ठीक है। 103 सीटें थी और लिस्ट दिए हैं 115 की, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग 103 को ही लिया गया है। तो यहाँ पर 26 ओबीसी कैंडिडेट इसमें भी क्रैशिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता ही है, क्रैशिंग होता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे और कोई इंटरव्यू होने वाला नहीं है, यानी कि 16 का इंटरव्यू लगेगा, उसके बाद जो आगे भर्ती आएगी 2019 वाली, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, उसके लिए रणनीति कुछ अलग रहेगी। ऐसी एससी की बात आती है, तो एससी में भी मैंने 70 वालों का कॉल आ रहा है, 70 से कम वाले भी हैं भाई, जो 75 हैं, 72, 73 हैं, ये सब अपने आप को इंटरव्यू के लिए मस्त रखें। और 75 से ऊपर 77, 78 यहाँ पे जो है इनका आसानी से हो जाएगा, इस रेंज में नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, परंतु लगे रहें इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, ठीक। अब बात आती है कि गर्ल्स में यहाँ पे सीटें तो कम होती हैं, परंतु कंपटीशन भी कम होता है। तो जाएँ तो लोग जो फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान में रहता है, अरे सीटें ज़्यादा है वहाँ पे अप्लाई करिए। तो मैंने पहले भी कहा है लेडीज़ के लिए, क्योंकि जो सीटें अगर कम हैं तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर रहता है। कम सीटें हैं, कंपटीशन भी कम ही होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है, और यहाँ वाले में कंपटीशन ज़्यादा है। तो जैसा कि जिन लोगों का यहाँ पर 92-93 है, तो वहाँ पर अगर गर्ल्स में जनरल की बात कही जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन काफ़ी कम पे हो जाने के चांसेस बनता है, 80 से हमारा 90 के बीच में ही होने के चांसेस है। तो जो इंटरव्यू के लिए सिक्योर पॉइंट है वो हमारा 85 टू 90 के बीच में रहेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी के लिए,
ओबीसी 80 से 85, 86, 87 क्वेश्चन तक के लिए बीच में सिक्योर है। 85 से 87, 88 वाले, 88, 89 ये वाले सिक्योरिटी रहेंगे, यहाँ पे कॉल हो सकता है। एंड SC तो काफ़ी कम पे जाता है, यहाँ पे 65, 70 क्वेश्चन भी ही हो जाएगा, ठीक है। 70 से कम के, 70 से 75 के बीच में ही आसानी से सिलेक्शन पा जाएंगे। पहले टाइम में देखा गया है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स में 2009-10 में सीटें भी खाली रह गई थी SC कैटेगरीज में, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंटरव्यू देने आते ही हैं लगभग लगभग सेलेक्ट होते रहे हैं। उससे पहले 2003 भर्ती में, 4 वाली भर्ती में अगर सीटें 40 हैं तो रिटर्न में क्वालिफाइड ही 45 हुए हैं, ठीक है। तो उतना भी बुलाया गया, ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, तो उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये था मेरा अकॉर्डिंग डाटा, कितने क्वेश्चन वालों को तैयारी करनी चाहिए, कितने को नहीं करनी चाहिए। बार बार क्वेरीज आ रही हैं, बार बार लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मेरे अकॉर्डिंग, मैंने बताया कि इतने इतने तैयारी में लगे रहें, हिम्मत बिल्कुल ना हारें। अब बात आती है कि जब सेम क्वेश्चन होते हैं तब इंटरव्यू के मार्क की क्या वैल्यू हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, जो 90 से लेकर 95 हैं, 95 क्वेश्चन वाले हैं या 93-94 क्वेश्चन वाले, इनके लिए बात कर रहा हूँ केवल। जैसे कि ये जनरल कैटेगरीज में 4 2016 के लिए बॉयज़ वर्ग में, या फिर गर्ल्स वर्ग में जो लेडीज़ हैं उसमें, गर्ल्स वर्ग में अगर आता है तो वो 85-90 के बीच में इस टारगेट के अकॉर्डिंग है। मतलब बहुत कम क्वेश्चनों का डिफरेंस यहाँ पे होता है। जिनके ज़्यादा क्वेश्चन हैं 95 से अबव हैं, 96, 97, 98, 100 उसके अबव वाले हैं, तो वो बढ़ता चला जाता है, मार्किंग बढ़ता चला जाता है। अब बात आती है कि आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 90 वाला भी सेलेक्ट हो सकता है, 91 वाला भी, 92 वाला भी, 93 वाला भी और 94 वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडिंग करता है कि आप इंटरव्यू में कितना फेसिंग कर पा रहे हैं, इंटरव्यू के मार्क कैसे निकाल पा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रखी है कि इंटरव्यू में कभी भी अपने आप को ये ना दिखाएं कि हमको सब कुछ आता है, हम बहुत सुपर हैं, हमको GK भी आता है, हम BCS की तैयारी कर रहे हैं, हमने ये टेस्ट निकाले, वो टेस्ट निकाले, ऐसा बिल्कुल ना कहिएगा। क्योंकि जहाँ पे घमंड होगा उस तरह की बातें होंगी तो वो लोग सोचते हैं भाई आप इसको जो है परेशान करते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट बैठा है, मैथ के 2 एक्सपर्ट बैठते हैं, या एक भी होगा, एक भी काफ़ी है। किसी से इंटरव्यू लेना बहुत आसान होता है जबकि देना बहुत कठिन होता है। हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा हो सकता है कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया वो हमें उस समय भी ध्यान में ना हो, ठीक है। तो जो बंदा पूछ रहा है वो तो वो पूछेगा जो उसको आता है, और जिससे पूछा जा रहा हो सकता है कि वो उसको ना आता हो। पहला क्वेश्चन बहुत डिमांड, पहला ही क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्प्रेसिंग होता है। पहला क्वेश्चन ही अगर नहीं बता पाए तो पूरा इंटरव्यू बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, जैसे जैसे टेंशन होती चली जाती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को नकारिएगा। अगर पहला क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो जस्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इस तरह का करना ज़्यादा अच्छा रहता है। वहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, हड़बड़ाहट और घबराहट से जो आगे आपको जो कुछ आता है वो भी सब चला जाता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट है कि जो सेम क्वेश्चन वाले हैं, जैसे कि UP TGT 2011 में रहा है, लगभग लगभग सेम क्वेश्चन वाले रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल को लगभग 72 से बुलाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हुआ है 76 से 82 के बीच में ही कैंडिडेट हैं। कुछ और भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं 93-94 वाले भी मिले हैं, तो वो तो होता ही है, 2-4 तो होते ही हैं कि अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जाते हैं। तो जनरली जो इंटरव्यू पॉइंट था वो इन्हीं क्वेश्चनों के बीच में था, ठीक है, यहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो जिसके इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छे मार्किंग निकाल ले गया वो उसका हो भी गया है, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए कुछ टिप्स, जैसे कि आप सपोज इंटर क्लासेस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, BSc क्लासेस में अच्छा खासा कमेंट है, अच्छा खासा पकड़ है, और इंटरव्यू देने जा रहे हैं TGT का, तो ये ना बोलिएगा कि हमको BSc आता है, BSc से पूछ लेगा, BSc में कुछ भी पूछ लीजिएगा, तो वो सब नहीं बोलना है। तो वो पहला क्वेश्चन यही करेंगे कि आपको अगर सब्जेक्ट की बात है, पहला क्वेश्चन तो पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया गया, एंट्री करेंगे, आप कहाँ से आए हैं, क्या ये सब हो जाएगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन के बारे में तो कोई खास पूछते नहीं है, कहाँ से हैं, क्या ये सब होगा, और एंट्री करिएगा और अपने बारे में बताइएगा पूरा डिटेल, फुली कॉन्फिडेंस से। और उसके बाद जब पूछना शुरू करेंगे, घबराना किसी से नहीं है, ना ही बोर्ड मेम्बर से, ना ही एक्सपर्ट से। हो सकता है कि एक्सपर्ट ने पूछना शुरू कर दिया है, एक्सपर्ट ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, एक क्वेश्चन पूछा है तो दूसरा एक्सपर्ट भी आपको उलझाने का प्रयास जरूर करेगा, अगर दो बैठे हैं तो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी में दूसरा क्वेश्चन वो पूछने शुरू कर देंगे। तो ऐसा होता है जब एक क्वेश्चन हम नहीं बता पा रहे हैं तो दूसरा भी साथ में लगा हुआ है, तो होता है दूसरे का अगर आंसर है दूसरे का तुरंत बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं।
अब बात आती है कि आप हाई स्कूल या TGT ग्रेड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बताइएगा कि हमको हाई स्कूल ही आता है। अब आपको आता है इंटरव्यू और BSc भी, तो हाई स्कूल अगर आता है तो बहुत अच्छे से आता ही होगा। हाई स्कूल में वो एक से दो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो इंटर में ऑलरेडी ले जाएंगे, सोचेंगे कि इसको हाई स्कूल आता है, इंटर से दो से तीन क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो BSc क्लासेस में ले जाएंगे। तो इससे उनका टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, हम उनको जो है हमने उनको फंसा लिया है अपने चंगुल में, मान लीजिएगा। इंटरव्यू ले रहे हैं वो, परंतु हम डील हम उनको कर रहे हैं। तो हमने ऐसे इस तरह से करके दो क्वेश्चन हाई स्कूल के, दो इंटर के और दो से तीन क्वेश्चन BSc लेवल के बता ले गए। पाँच छः से सात क्वेश्चन जब हम बता ले जाते हैं तो फिर उनको लगता है इसको आता तो है। फिर क्या होता है, लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी होता है बहुत ज़्यादा पूछ लिया तो 15 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। अब हमने 7-8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछे, 6 से 7 बता लिए, तो जो बोर्ड का मेंबर है वो सोचेगा भाई अब इसको सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक मिल जाए, अब हमको GK वगैरह में कुछ अलग से कुछ पूछा जाए। तो जब वो अलग से पूछने पाएंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि GK में ले जाए, जैसे कि 11 के इंटरव्यूज में हुआ है, UPTCT 2011 में काफ़ी लोगों से GK पूछी गई है। तो उसका मतलब यही था, जब सब्जेक्ट में बता ले जा रहा है तो भाई इसको आप सब्जेक्ट में जो है ज़्यादा नहीं फंसाया जा सकता है, तो उस पे ले जाइएगा, ठीक है। तो GK में भी कुछ चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, कुछ मंत्रियों के नाम, ये सारी चीज़ें, कुछ घटनाएं जो घटित होती आ रही हैं वो सब बनाते रहिएगा, एक नोट्स टाइप ले लीजिएगा, कुछ हम वीडियोस में भी बना बना के देते रहेंगे ताकि काफ़ी हेल्प उसमें होती रहे। तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों में अगर 3 से 4 पूछे, 1-2 बता ले गए, तो फिर भी ये ना सोचेगा इंटरव्यू बेकार हुआ है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक बनेगा। इतना इतना क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन बता ले जा रहे हैं तो ठीक है, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू माना जाता है। अगर आपसे टोटल ऑफ क्वेश्चन 8 पूछे गए, 8 में से आपने 6 बता लेंगे, ठीक है, या टोटल 10 पूछे गए, 10 में से आप 7 से 8 क्वेश्चन बता लेंगे, तो चांसेस रहता है कि 35, 36, 37 या 38 नंबर इंटरव्यूज में पाने का, इतने नंबर को दे देते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि 10 में से अगर 9 बता ले गए तो हाँ, तो 42 या 43 नंबर ले जाए, क्योंकि वो 45 से ज़्यादा देंगे नहीं, ठीक है। तो टोटल तो इंटरव्यू 50 का है, 45 से ज़्यादा इसमें किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। तो इतना भी काफ़ी अच्छा होता है कि अपनी परफॉर्म पे अगर 35 से ऊपर निकाल ले जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस रेंज में है, अगर इतने नंबर आ जाए तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुकून है, तो होने के प्रबल चांस बन जाएंगे।